कड़े कानूनों के बावजूद घरेलू हिंसा पर रोक नहीं लग रही। ताजा मामला राजधानी दिल्ली से सामने आया है, जहां विवाहिता का आरोप है कि उसके साथ उसके ससुराल पक्ष ने पिटाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पत्नी को पीटने वाले एक शख्स की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि ससुराल में पत्नी को लगी किसी भी तरह की चोट के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका पति जिम्मेदार होगा। प्रधान न्यायाधीश बोबड़े की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि ससुराल में महिला पर भले ही किसी अन्य रिश्तेदार ने हाथ उठाया हो, लेकिन इसके लिए पति ही दोषी समझा जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस केस में पत्नी के साथ मारपीट के आरोपी शख्स की ये तीसरी शादी है, जबकि महिला की दूसरी शादी है। बीते साल जून में महिला ने लुधियाना पुलिस में अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज की थी। महिला का आरोप था कि दहेज की मांग के चलते उसके साथ बेरहमी बढ़ती जाती है। महिला ने आरोप लगाया था कि उसका पति गला दबाकर उसकी हत्या करने वाला था। उसने ये भी आरोप लगाया था कि उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया गया था। अदालत में चल रहे सवाल जवाब में आरोपी के वकील ने कहा कि महिला ने खुद आरोप लगाया है कि उसके ससुर उसे बेल्ट से पीटा करते थे। तो इस पर सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि उसे किसने पीटा। जब ससुराल में एक महिला को किसी भी तरह की चोट लगती है तो प्राथमिक जिम्मेदारी उसकी पति की होती है। इसके बाद बेंच ने शख्स की याचिका खारिज कर दी।